हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10 की उर्दू हिस्सा नज्म से मसनवी टॉपिक लेकर आई हूँ। मसनवी जो कि आपके कोर्स में है, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगी। मसनवी किसे कहते हैं और ये कौन कौन सी मसनवियाँ हुई हैं जो बहुत ही मकबूल अपने ज़माने में। तो मसनवी एक तवील नज्म को कहते हैं, तवील नज्म यानी कि बहुत ही लंबी नज्म को कहते हैं, और इसमें जिन, परियों और बहुत ही ख्याली किस्से और वाकियात बयान किए जाते हैं। इसके अलावा मसनवी अपने दौर के सामाजिक, सियासी हालात, माशरात, रस्म व रिवाज, रहन सहन, बोलचाल से रूबरू करती है। मतलब अगर हम कोई मसनवी पढ़ते हैं तो वो इतनी लंबी और नज्म के फॉर्म में होती है कि हमें उस जमाने के रहने वाले लोगों की बोलचाल कैसी थी, उनके उस वक्त पे रस्म और रिवाज क्या चला करते थे, किस तरह से लोग एक दूसरे से मिलते थे, ये हमको पता चलता है। आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं कि मसनवी उर्दू के साथ फारसी जबान में भी लिखी गई और फारसी जबान में भी ये बहुत मकबूल है। मसनवी का आगाज शमाली हिंद यानी कि नॉर्थ इंडिया में 12वीं सदी के आसपास माना जाता है। इस जमाने में सौदा और मीर की लिखी मसनवियां बहुत मशहूर और मकबूल हुई। सबसे पहले हम मसनवी ख्वाबो ख्याल का जिक्र करते हैं जो कि दिल्ली में लिखी गई। ख्वाबो ख्याल किसने लिखी थी? ये एक बहुत ही मशहूर शायर है मीर, जिन्होंने लिखी थी। इसके बाद हम दूसरी मसनवी पे आते हैं जो बहुत मकबूल मसनवी है, जिसका नाम है सहरुल बयान, और ये मसनवी लखनऊ में लिखी गई और इसके मुसन्निफ मीर हसन। इसके अलावा उर्दू की एक अजीम मसनवी जिसका नाम है गुलजार नसीम, पंडित दयान शंकर नसीम ने लिखी, जो कि लखनऊ से ताल्लुक रखते थे। मिर्जा शौक की मसनवी जहर इश्क बहुत मशहूर मसनवी है, जिस पर ख्वाबो ख्याल जो कि मीर, जैसे कि मैंने पहले बताया, ने लिखी है, उनका असर नमाया। इस तरह मसनवी नज्म का एक फन है जिसमें ख्याली किस्से और दास्तान नज्म की शक्ल में बयान किए जाते हैं। जिन और आज आप लोगों का होमवर्क है, जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनका होमवर्क है, जिन मसनवी निगारों का जिक्र मैंने आज किया है और उनकी मसनवियों के नाम बताए हैं, वो आपको सिलसिलेवार तौर से लिखकर याद करने हैं।